गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप उनके जवाब दोगे, ठीक है? जी मैम। अच्छा, तो बताओ, इस दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मैम, हमारे मम्मी पापा। अच्छा, आपको याद है जब हम छोटे होते थे तो हमें चलना किसने सिखाया था? मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने। गुड। एक सवाल और, हमारे लिए खाना कौन बनाता है और उस खाने को बनाने की व्यवस्था कौन करता है? मैम, हमारे मम्मी पापा। बिल्कुल ठीक कहा। हमारी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करना, हमारे लिए नए कपड़े लाना, हमें पढ़ाना, हमारा ध्यान रखना, हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा ध्यान रखना, ये सब चीज हमारे मम्मी पापा ही करते हैं, है ना? यस मैम। अब जरा सोचो और बताओ, जब हमारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज और जरूरतों के लिए हमारे मम्मी पापा होते हैं जो उन्हें पूरा करते हैं, हमें अनकंडीशनल लव करते हैं, है ना? हर हाल में हमारे साथ होते हैं, पर जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हम उनके पास नहीं होते। क्यों? क्यों हमारे पास उनके लिए वक्त नहीं होता? हम क्यों मम्मी पापा से चिल्ला करके बात करते हैं? बात है ना, हम कितने जोर से मम्मी पे चिल्लाते हैं, क्या मम्मी बार बार आवाज लगाती हो, क्या पापा आप मेरे लिए ये नहीं लेकर आए, है ना? करते हैं ना हम सब ऐसा? यही ना, करते रहते हैं। आप बताओ, जब उन्होंने हमारे लिए इतना किया और हमारी बारी आती है तो हम क्या कहते हैं? मैं थक गया। क्यों कहते हैं हम? मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते, वो तो मेरे बड़े भाई को प्यार करते हैं, मेरी छोटी बहन को प्यार करते हैं, हम कहते हैं ना ऐसा? Yes, ma'am. मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। बेटा, जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम उन्हें वक्त ही नहीं देते, जबकि उनके पास हमारे लिए हमेशा वक्त होता है। जरा बताओ, क्या हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम उन्हें उनके हिस्से का वक्त ही नहीं दे पाते? क्या आपको नहीं लगता, जैसे हमें उनकी जरूरत है वैसे उन्हें भी हमारी जरूरत होगी? क्या पता वो हमें कुछ कहना चाहते हो? सोचो, वो क्या करते होंगे जब उनके पास उनकी बात सुनने के लिए कोई होगा ही नहीं? वो कितना अकेला महसूस करते होंगे? क्या ये नहीं हो सकता कि हम अपनी पढ़ाई, अपने ट्यूशन, अपने खेल, अपने दोस्तों, इन सब से थोड़ा सा वक्त निकालें और उन्हें वो प्यार दें जो उन्होंने हमें दिया हमेशा, जब हम छोटे थे तब भी और अब हम जब थोड़े से बड़े हो गए हैं तब भी? जी मैम, हो सकता है हम ऐसा करें। बेटा, मैं और आप, हम सब जो बेहतर जिंदगी देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो हमारे माँ बाप ने हमें दी है। अगर हमारे माता पिता हमको बेहतर जिंदगी नहीं देते तो क्या आज हम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते? क्या हमें खाना मिलता? क्या हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते? नहीं ना। तो सोचो, उन्होंने हमारे लिए कितना किया। ये वो वक्त है, उन्हें धन्यवाद बोलो, उन्हें वो सम्मान दो जिसके वो हकदार हैं, और उन्हें उतना ही प्यार दो जितना उन्होंने हमें दिया है, हमें पूरा बनाने के लिए, पूरा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। हमें कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे ऊपर बोझ हैं या हम अपने माँ बाप का काम क्यों करें। जो उम्मीद हमने उनसे रखी है वो उम्मीद उन्होंने भी तो हमसे रखी होगी। हमें ये कभी नहीं भूलना कि जैसे हमारा बचपन हमारे माँ पिता पर आश्रित होता है, ठीक वैसे ही हमारे माँ बाप का बुढ़ापा
हमारे जीवन पर आश्रित होता है। तो जैसे हमारे लिए उन्होंने हमेशा अपना साथ दिया। अच्छा तो बच्चों बताओ, क्या आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो? अच्छा तो यही बता दो कि क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हो? यस मैम, अब हम अपने मम्मी पापा को कभी गलत नहीं बोलेंगे, हम उन पर कभी पापा चिल्लाएंगे। छोटे भाई से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। यस मैम, आज हमें पता चला कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब हम उन्हें हमेशा प्यार करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप अपने मम्मी पापा से इतना प्यार करते हैं। अब आप, मैं, हम हमेशा याद रखेंगे कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कितने वैल्यूएबल हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हमारे माँ बाप हैं। ओके बच्चों, जी मैम।